नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यू आर गॉड। देखिए, आज मैंने रोबोट 2.0 देखी। तो देखिए, जो मैं उस फिल्म को देख रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें ये सब दृश्य पहले ही देख चुका हूं। और न सिर्फ मैं देख चुका हूं, बल्कि मैं आपको सुना भी चुका हूं सारी की सारी कहानी। वो कैसे? देखिए, इसमें मैंने एक दृश्य देखा जिसमें एक बहुत बड़ा टावर गिरता है और रोबोट उसको बिल्कुल थोड़े से फासले पर बचा लेती है। जैसे वो नीचे गिरने वाला होता है तो उसका हाथ पकड़ करके वो उसको साइड में खींच लेती है। अब आप देखिए, नोस्ट्रेडेमस वाले जो मैंने वीडियोस बनाए थे, उनमें मैंने आपको यही तो कहा था कि इसमें तो लिखा हुआ है कि एफिल टावर गिरेगा, और एफिल टावर तो जहां का तहीं खड़ा है। और फिर मैंने आपको हमारे यहाँ जो पेड़ के बारे में जो उसमें लिखा हुआ था, ट्री लिखा हुआ था, वो बताया कि कैसे वो जो हमारे गार्डन के पास एक पेड़ उगा हुआ था, मीठी नीम का पेड़ था वो, और उसकी जो लकड़ी होती है बहुत कच्ची होती है, तो उसकी एक बहुत बड़ी डाल एकदम से नीचे गिरी मेरे ऊपर। और वो उस वक्त गिरी जब मैं 3-4 सेकंड पहले ही उस जगह से हटा था। और वो सारा का सारा मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था। इसके अलावा इसमें जो दृश्य हैं, तो उनमें देखा मैंने कि स्मार्टफोन्स उड़ रहे हैं और हवा में जाकर के, और फिर वो सारे के सारे मिलकर के बहुत बड़ा पक्षी बन जाते हैं। और इसके बारे में तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बताया आपको कि एक बहुत बड़ा चमगादड़ अभी भी उड़ते हैं। वो हमारे घर के बहुत ऊपर दरार के जंगल है हमारे आसपास, जो बहुत दूर मतलब शहर से, तो वहां से उड़ करके पता नहीं कहाँ जाते हैं वो, ये मुझे पता नहीं है। और एक ही चमगादड़ कम से कम 15 किलो का होगा, इतने भारी चमगादड़ है, और उनके पंखों का जो फैलाव है ना वो 10-10 फीट तक है। और शाम के जब अंधेरा हो गया था, उस समय की बात है, मैं ऊपर देख रहा था तो मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये पक्षी है क्या। और अचानक से उनमें से, उस झुंड में से एक पक्षी नीचे उतर के आ गया, और उतर के आके, और वो बिल्कुल हमारे घर में जो पेड़ है बादाम का, उस पे आकर के बैठ गया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई डायनासोर ऊपर से उतरा हो। और यही तो है इसमें सारा का सारा जो कहानी है। अक्षय कुमार जो है वो इस प्रकार की मतलब टेक्नोलॉजी बना लेता है कि वो सारे के सारे स्मार्टफोन्स को अपनी तरफ आकर्षित करके और कंट्रोल करके और उनसे मिला करके और वो एक पक्षी बनाता है। इसकी और कुट्टी की लड़ाई है जो कि चिट्टी का ही एक अपग्रेड वर्जन है। अब ये जो यहां पर कुट्टी है ना, अब आप देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भगवान गल के अवतार ने मुझसे एक बार कहा कोट्टा से, कट्टा से, जैसे कहा। अब ना उन्होंने कोट्टा कहा ना कट्टा कहा, उन्होंने कहा कट्टा से। अब उसके कितने सारे मतलब निकले थे, वो एक एक करके मैंने बहुत सारे मतलब तो आपको बता दिए थे। उसका एक मतलब ये भी था कुट्टी। तो अब देखिए, वैसे तो ये जो कुट्टी वाला जो मैंने आपको बताया, देखिए मैंने आपको एक बचपन का अनुभव बताया था जिसमें वो जो एक पक्षी होता है उसको गोली मारी जाती है और वो तालाब में आकर के गिरता है। और फिर एक शिकारी सर्दी में, ठंड में मतलब उस पानी में तैरता है, उसके पास तक जाता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं आता और लगातार वो युद्ध चलता ही रहता है। ये सब कुछ मैंने बचपन में देखा था, मैंने बताया था ना आपको। और इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही दृश्य है, हालांकि मैंने इसके बस शुरुआत का थोड़ा सा ही पार्ट देखा है अभी तक। और एक स्टेडियम है बहुत बड़ा, मतलब बाद में आएगा, मैंने टीवी पे देखा था ऐसा, एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, और उस स्टेडियम में इनकी लड़ाई होती है। तो मतलब उस बहुत बड़े स्टेडियम को तो आप वो तालाब मान लीजिए जो पानी से भरा था, और हवा में उड़ता हुआ जो वो पक्षी आकर के गिरा था, और उसके और शिकारी के बीच में जो युद्ध हुआ था, उससे आप कुट्टी और ये अक्षय कुमार जो इसमें पक्षी बने उनके बीच का वो युद्ध मान लीजिए। तो मतलब कुल मिलाकर के मैं आपको बहुत सारी जो इसके दृश्य हैं वो तो मैं ऑलरेडी आपको सुना ही चुका हूं।